नमस्कार साथियों, आज हम इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताएंगे आपको और बिल्कुल ही नया प्रोस्पेक्टिव होगा। अब तक हम इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं, लेकिन आज जो जिन लोगों ने अपने खून का कतरा बहाया देश के लिए, वो किस नज़र से भारत को देखते थे, वो अपने नागरिकों को किस नज़र से देखते थे, वो समाज में क्या बदलाव लाना चाहते थे, वो प्रोस्पेक्टिव कहीं ना कहीं धुंधला होता दिख रहा है। तो इस धुंधलाहट को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो का उद्देश्य उन तमाम महापुरुषों को, कर्मयोगियों को और संघर्षशील नेताओं और तमाम व्यक्तियों को उजागर करना है जो 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 इन तमाम लोगों को उजागर करना है जो जो संघर्ष के साथी रहे हैं। आओ शुरू करते हैं वीडियो। 74th इंडिपेंडेंस डे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे, हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यह होती है कि हम चीजों के बारे में बात ज्यादा करते हैं और काम कम। आप तस्वीरों के चेहरे दीवारों की तरफ मोड़कर इतिहास का रुख नहीं बदल सकते। महात्मा गांधी जी कहते हैं, खुद में बदलाव लाए बिना जो आप दुनिया में देख खुद में बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। फिर गांधी जी कहते हैं, विश्वास को हमेशा तर्क से तोलना चाहिए, जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है। गांधी जी कहते हैं, इफ वी वांट टू रीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड वी शुड स्टार्ट एजुकेटिंग चिल्ड्रंस, हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए अगर हम शांति चाहते हैं विश्व के अंदर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं, याद रखिए सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। नेताजी कहते हैं, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में मुख्य समस्याएं गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, कुशल उत्पादन और वितरण सभी सामाजिक तरीके से ही किया जा सकता है। नेताजी कह रहे हैं कि समाजवादी तरीके से हम इन तमाम समस्याओं का हल कर सकते हैं। नेताजी का पर्सपेक्टिव है ये। चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं, आप हर दिन दूसरों को अपना रिकॉर्ड तोड़ने की प्रतीक्षा मत करो, बल्कि खुद उसे तोड़ने का प्रयत्न करो, क्योंकि सफलता के लिए आपकी खुद से ही लड़ाई है। वीर भगत सिंह कहते हैं, व्यक्तियों को कुचल कर वो विचारों को नहीं मार सकते। कहते हैं, व्यक्तियों को कुचला जा सकता है लेकिन विचारों को नहीं। भगत सिंह जी कहते हैं, मेरा एक ही धर्म है, वह है देश की सेवा करना। किसी भी इंसान को मारना आसान है परंतु उसके विचारों को नहीं। महान साम्राज्य टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जबकि विचार और विचारधाराएं चलती रहती हैं। लाला हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, जो बात सिद्धांत में गलत है वह व्यवहार में भी सही नहीं है। फिर कहते हैं, हमारे लंबे और घटनापूर्ण इतिहास में ये पहला अवसर है जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये विशाल देश सब इस संविधान और संघ राज्य के छत्राधीन हुए। यानी ये इतिहास की पहली घटना है जब एक एक सूत्र में भारत को पिरोया गया है संविधान के माध्यम से। राष्ट्रीय एकता के बारे में बात करते हैं। बाबा साहब कहते हैं, हम भारतीय हैं पहले और अंत में, वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। बाबा साहब कहते हैं, नारी राष्ट्र की निर्मात्री है, हर नागरिक उसकी गोद में पल कर बड़ा होता है, नारी को जागृत किए बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। बाबा साहब कहते हैं, जो इतिहास भूल जाते हैं लोग, वो अपना इतिहास नहीं बना सकते। लाला जी कहते हैं, जब समाज वह समाज कदम भी नहीं टिक सकता जो आज की प्रतियोगिता और शिक्षा के समय में अपने सदस्यों को प्रगति को पूरा अवसर प्रदान नहीं करता। लाला जी कहते हैं कि हमें शिक्षा का अवसर देना है समाज को, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और लाला जी कहते हैं, मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है, ना कि दूसरों की कृपा से। धन्यवाद।